नमस्कार। पूरा देश सियासी रंग में रंग गया है। राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। बीजेपी शुरू से ही यहाँ मिशन 25 का लक्ष्य लेकर चल रही थी, लेकिन बीजेपी के अब दावे थोड़े ठंडे पड़ गए हैं। देखा जाए तो बीजेपी के लिए राजस्थान बहुत प्रीशियस रहा है। 2014 और 2019 के दो चुनावों में बीजेपी यहाँ क्लीन स्वीप करने में सफल रही है, लेकिन इस बार सियासी फिजा कुछ बदली सी है। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, पूरा दम दिखा रही है, लेकिन बिखराव है कि सिमट ही नहीं रहा है। अपनों की नाराजगी है कि मिट ही नहीं रही है। बांसवाड़ा, चूरू जैसे इलाकों में गुटबाजी साफ देखने को मिल रही है। कोटा और चूरू से बीजेपी ने दो दिग्गज नेता पहले ही खो दिए हैं, जो बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। कहीं किसान नाराज है, कहीं बेरोजगारी का मुद्दा, कहीं जाट नाराज है, तो कहीं राजपूत, और अब तो SC ST वोटर्स में भी बीजेपी को लेकर अविश्वास है। ये सब क्या है? ऐसा नहीं है कि पहले राजस्थान की सियासत में बीजेपी में नाराजगी, गुटबाजी या बगावत नहीं हुई है, बल्कि कई आंदोलन भी खड़े हुए, लेकिन ग्राउंड पर उसे बेहतर तरीके से मैनेज कर लिया जाता था। इस बार ऐसा क्यों नहीं हो पाया? शायद इसलिए क्योंकि राजस्थान में बीजेपी का वो सबसे कद्दावर सियासी चेहरा इन चुनावों में कन्नी काट गया। सीधे तौर पर वसुंध राजे की कमी बीजेपी को खलती नजर आई है, जो भी इन चुनावों में भारी पड़ती दिख रही है। पहले चरण में जिस तरह करीब 6.5% मतदान कम हुआ है, उसने बीजेपी के लिए एक भ्रम की स्थिति बना दी है। पहले चरण की 12 सीटों पर कई मीडिया सर्वे बता रहे हैं कि 5 सीटों पर बीजेपी फंसी हुई है। ये सीटें हैं चूरू, दौसा, अलवर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण और सीकर, जहाँ बीजेपी को अब चिंता सता रही है। हालात दूसरे चरण में भी ऐसे ही हैं। इस बार भी 5 सीटों पर मामला फंसता नजर आ रहा है। बाड़मेर, बांसवाड़ा, कोटा, जोधपुर और टोंक सवाईमाधोपुर में मामला गड़बड़ा रहा है। दरअसल इस बार बीजेपी में बागियों की बगावत ही हावी नहीं रही है। कहीं जातीय समीकरण डगमगा रहे हैं, तो कहीं बीजेपी की योजनाओं को लेकर गुस्सा पसरा पड़ा है। वहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से भी बीजेपी नेताओं में नाराजगी और गुटबाजी का आलम है। किसान आंदोलन की आंच ने बीजेपी के लिए पहले से ही परेशानी खड़ी कर दी थी। ऊपर बीजेपी की अग्निवीर योजना, इससे शेखावटी का वोटर बुरी तरह से खफा है। ऊपर से राजस्थान सरकार के कैबिनेट में भी जाट समुदाय को वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वे उम्मीद लगाकर बैठे थे। ये सारा बीजेपी के लिए निगेटिव गया है। चूरू, सीकर और झुंझुनू सीटों के परिणामों पर इसका असर पड़ सकता है। चूरू में तो राहुल कस्वा का टिकट काटना भी बीजेपी को भारी पड़ा है। कस्वा बीजेपी छोड़ अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका टिकट कटवाने का आरोप राजेंद्र राठौड़ पर मढ़ रहे हैं। ऐसे में आम वोटर्स के साथ ही जाट समुदाय की सिंपैथी राहुल कस्वा के पक्ष में आ गई है। पार्टी में हर कदम पर एकजुटता की कमी नजर आ रही है। उधर राजपूत समाज पर बीजेपी नेता की टिप्पणी से राजपूत भड़के हुए हैं। देखा जाए तो चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजस्थान में कमजोर सी नजर आ रही कांग्रेस में एकाएक इन घटनाओं से आत्मविश्वास जाग गया है। कांग्रेस ने लगे हाथ आग में घी का काम कर दिया और प्रदेश के SC ST वोटर्स को आरक्षण के मुद्दे पर भड़का दिया है। बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भितरघात का खतरा है। कोटा के ओम बिरला को अपनी पार्टी के ही प्रहलाद गुंजल टक्कर दे रहे हैं। राहुल कस्वा चूरू में खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी विचारधारा से होकर भी कैलाश चौधरी, जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, उनको पटखनी देने में मैदान में खड़े हैं। अब इन सारी स्थिति परिस्थितियों को संभालने में CM भजन लाल से लेकर पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा तक जुटे, लेकिन मामला सुलझा नहीं। PM मोदी आकर रोड शो कर दिए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में चर्चा यह है कि वसुंधरा राजे ही हैं जो यह सब चुटकी में मैनेज कर सकती थी। वसुंधरा राजे बागियों को मनाने में माहिर रही हैं। भले ही वे पार्टी में सक्रिय नहीं हों, लेकिन लोगों को लगता है कि वे आज भी राजस्थान में बीजेपी की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा खुद को साबित कर सकती हैं। लेकिन सियासी पंडितों का कहना है कि कहीं ना कहीं PM मोदी राजस्थान में अपने दम पर क्लीन स्वीप करके दिखाना चाहते थे। वसुंधरा को पार्टी ने दरकिनार किया तो वसुंधरा ने भी दूरी बना ली। चर्चा यह भी है कि बागी होकर कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले राहुल कस्वा और प्रहलाद गुंजल दोनों वसुंधरा के करीबी हैं। अगर वसुंधरा खुद मैदान में होती तो उन्हें रोकना उनके बाएं हाथ का खेल था। राजपूतों की बेटी राजपूतों को, जाटों की बहू जाटों को चुटकी में मना लेती। हर तबके से खुद को कनेक्ट करने का मादा रखती हैं वसुंधरा राजे। गांव, ढाणी, शहर, कस्बे और जिलों के नेताओं से सीधा संवाद रखती हैं। तो अब ये भी चर्चा है कि वसुंधरा राजे खामोश रहकर ये खेल देख रही हैं।
कुछ कह रहे हैं कि ये तो खेल ही वसुंधरा राजे का है। ये बात सही है कि पीएम मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय चेहरा है और लोकप्रिय चेहरा भी है, लेकिन स्थानीय सियासत में स्थानीय क्षत्रपों का दबदबा रहा है और वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा लोकप्रिय चेहरा है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ती हैं और टास्क पूरा करती हैं। फिलहाल फलौदी का सट्टा बाजार राजस्थान में बीजेपी को 25 में से 17 सीटें जिता रहा है। कांग्रेस भी आधी सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। बीजेपी दूसरे चरण में जमकर पसीना बहा रही है। टोंक, सवाईमाधोपुर, जालौर, सिरोही और दौसा में बीजेपी को SC/ST वोटर्स से संकट खड़ा हो गया है। अब चर्चा यह भी है कि इन चुनावों में वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव का बदला चुकता कर देंगी। हालांकि परिणामों का अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पिछला इतिहास बीजेपी के पक्ष में रहा है। वोटर के मन को टटोलना इतना भी आसान नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जनता दरबार के लिए जयपुर से विजय वर्मा।